जय हिंद दोस्तों, न्यूज सच सच तक में आप सभी का स्वागत है। और हम सभी के बीच अभी सिवान जिले के जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष और सीनेट के मेंबर, साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार के जो अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं जिन्हें महामंत्री का भी दर्जा प्राप्त है, वो उपस्थित है। आदरणीय मुर्तुजा अली कैसर जी, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपको भी मेरे तरफ से, आपके चैनल को और आपके व्यूअर्स और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबके प्रति मेरा आभार। मुर्तुजा अली कैसर जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बिहार सरकार का अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बनाया गया है, लेकिन एक चीज जरा बता दीजिए, आखिर ये होता क्या है? देखिए, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग बिहार के अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा के लिए एक आयोग है, जिसको अल्पसंख्यक बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नाम से जाना जाता है, और मैं उसका सदस्य मनोनीत किया गया हूं। बिहार सरकार इस आयोग के सदस्यों का मनोनयन करती है, मुझे आयोग का सदस्य बनाया गया है, जिसका स्टेटस राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, और यह जुडिशियल न्यायिक अधिकार है, कमीशन है, जिसको जुडिशियल पावर निहित है। इसमें अल्पसंख्यक समाज के अंतर्गत जितने समाज आते हैं, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, इन तमाम लोगों के से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं, या राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन तमाम योजनाओं में अगर कहीं कोई विघ्न बाधा है या आम जनमानस को उन योजनाओं का लाभ लेने में या सामाजिक स्तर पर किसी प्रकार का अन्याय अगर इस समाज के साथ हो रहा है, तो निश्चित रूप से बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग उन तमाम लोगों के प्रति संकल्पित है और सबको न्याय दिलाने का काम करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात मुझे बता दिए, अगर इस तरीके से अगर कोई प्रताड़ित है या फिर उनको जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं नहीं मिल पाता है लाभ, चाहे कोई भी अपना समस्या हो, तो वो अपना समस्या आप तक लेके किस तरह से पहुंचेगा? देखिए, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग काफी सक्रिय आयोग है, और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, इसको अल्पसंख्यक आयोग को काफी सशक्त बनाया। अभी पिछली जो कैबिनेट की बैठक हुई, तो इसको बहुत सारी शक्तियां प्रदान उन्होंने किया है, और इसके सदस्यों को राज्य मंत्री और इसके अध्यक्ष को, चेयरमैन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्होंने देने का काम किया है, और इस जुडिशियल जो कमीशन है, ये अल्पसंख्यक आयोग, इसमें जो आम जनमानस है, जो अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, अगर किसी भी राज्य सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित अगर उनकी समस्या है, अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजनाएं जो चलाई जा रही हैं वो आम जनमानस तक नहीं पहुंच रही हैं, या उसमें कहीं कोई विघ्न बाधा है, या सामाजिक स्तर पर उनके साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय हो रहा है, तो उस अन्याय के खिलाफ आवेदन वो आयोग में का दरवाजा खटखटाएगी आम जनता, निश्चित रूप से बिहार के अल्पसंख्यकों के एक एक खर के आगे अल्पसंख्यक आयोग खड़ा रहेगा और हमेशा दरवाजा पर दस्तक देगा कि अगर किसी की कोई भी समस्या हो तो उसका निदान संभव है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप सभी को किसी भी प्रकार की समस्या हो, अच्छा, इसके लिए क्या कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह भी होता है क्या? ऑफलाइन भी आवेदन बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन भी दिया जा सकता है, और ऑफलाइन भी आयोग में बाई रजिस्ट्री या समक्ष आयोग के समक्ष उपस्थित होकर भी आवेदन दिया जा सकता है किसी समस्या से संबंधित, और अल्पसंख्यक आयोग उसका जांच करेगा और निश्चित रूप से न्याय होगा। अच्छा, आप इसी कड़ी में आप सहलौर पहुंचे हैं, क्या कुछ उद्देश्य है? आज तो समझ लीजिए कि ये जो डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता जी हैं, वो मेरे मित्र हैं और भाई हैं, और इस परिवार से मेरा पारिवारिक लगाव रहा है, और एक इंजीनियर पिंटू कुमार जी हैं,
तो वो भी यहाँ उपस्थित हैं। ये सब लोग मेरे हमसे जुड़े हुए लोग हैं और पारिवारिक रिश्ता है, ये सब भाई हैं। और यहाँ जो उपस्थित हैं शैलेश कुमार जी और ये सारे जो यहाँ नौजवान उपस्थित हैं, ये सब मेरे मित्र रहे हैं, मेरे सहयोगी रहे हैं, मेरे समर्थक हैं, मेरे सबसे पारिवारिक रिश्ता रहा है मेरा। आज सिवान में एक कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम में मुझे जाना था, तो बीच में ये अल्पसंख्यक आयोग का जो मुझे सदस्य बनाया गया है, ये राज्य मंत्री का जो दर्जा दिया गया है, तो मेरे चाहने वालों में काफ़ी अपार खुशी है। तो वो खुशी प्रदर्शित करने के लिए, मुझे बधाई देने के लिए इन लोगों ने मुझे रोका और उनके घर मैं आया हूँ। और इनके माता जी को मैं अपने माता समान मानता हूँ, तो माता जी का आशीर्वाद लेना भी मेरा मकसद था। मैंने माता जी का आशीर्वाद भी लिया और उनसे ने बहुत सारी दुआएं भी हमने लिया। उन्होंने उनकी काफ़ी शुभकामनाएं मेरे साथ रहती हैं, उनका आशीर्वाद रहता है। तो मैं इसी कार्यों के लिए यहाँ डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता के पास उपस्थित हुआ हूँ। इंजीनियर पिंटू कुमार जी हैं, शैलेश जी हैं, ये फखरे आलम साहब हैं जो यहाँ के वार्ड के निर्वाचित सदस्य हैं, और भी बहुत सारे नौजवान जो लोग हैं, ये सब मुझे अपना बड़ा भाई स्वीकार करते हैं, मानते हैं। तो मैं रीढ़ी रहता हूँ और इन लोगों को काफ़ी खुशी थी, इन लोगों ने बुलाया, मैं आया इन लोगों के खुशी बांटने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे टीम के तरफ से एक बार आपको फिर से बधाई हो, और उम्मीद है कि अगर आपको इतना बड़ा पद मिला है तो उम्मीद है कि इस पद पे खरा भी उतरिएगा और जनता का हमेशा सेवा कीजिएगा।